मस्जिद है जहां पे नमाज होती है और नित्य के क्रियाकलाप होते हैं। दूसरी तरफ अगर इस गली की मैं बात करूं, जो ये घर है इसको अब ये लोग बेचना चाहते हैं। तुलसी नगर की अगर मैं बात करूं इस इलाके की, तो जो यहाँ पे आबादी है मुस्लिम परिवार की या हिंदू परिवार की, उसमें 10% से कम हिस्सा हिंदुओं का है। लगातार इस बात को लेकर झगड़ा होता है और पुलिस तक ये मामला जाता है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि ये जो परिवार है पलायन करने पर मजबूर है। एक बार मैं कहूंगा दिखाएं, ये जो ताले लगे हुए हैं घरों पे, किस तरीके से ये ताले लगा करके ये लाइन से आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, चारों ही घर पे दरवाजों के बाहर ताले लटके हुए हैं और साफ पोस्टर लगा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है। अब चलते हैं बगल वाले मकान में और सतीश जी से ही बात करने का प्रयास करता हूं कि दरअसल इस पूरे मामले पे देश की राजधानी दिल्ली में जब इतना बड़ा एक मामला हो रहा है कि एक हिंदू परिवार पलायन पे मजबूर है, ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से इन्हें सुरक्षा दी गई, क्या क्या बातें इन्होंने पहुंचाई है, क्योंकि ये जो मामला है पलायन से जुड़ा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में अगर पलायन होता है तो ये वाकई आश्चर्य का विषय है। ये परिवार है, देख सकते हैं अपने घर का ये जो सामान है ये इधर इन्होंने शिफ्ट कर लिया है, सामान ला करके यहाँ पे रख लिया है और एक डर इन लोगों के अंदर है, इसीलिए अब ये घर को बेचना चाहते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उनके भाई। ये बताइए, बगल के मकान पे आपने लिखा रखा मकान बिकाऊ है, ये इतना डर और खौफ क्यों है देश की राजधानी दिल्ली में? सर, हम हर तरह की कंप्लेंट पुलिस में दे चुके और लॉ एंड ऑर्डर का मैटर तो पुलिस को ही देखना चाहिए। अब हम 10 लोग मिलकर इनसे और कोई सलूशन तो हमारे पास है नहीं। हम शांतिपूर्वक तरीके से किसी तरह निपटाना चाहते हैं, लेकिन वो इनके पास बेसिक मुद्दा तो कोई है नहीं। झगड़ा क्या है कि भाई आप 10-5 घर रह गए हो, आप निकलो यहाँ से। तो अब ये किस तरीके से हिंदुओं ने डर की वजह से अपने घर यहाँ पे बेच दिए, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। देश की राजधानी दिल्ली को दिखाते हैं, विकास है यहाँ पे, प्रधानमंत्री बैठते हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं, लेकिन ये खबर भी लोगों को देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। हमें सच्चाई बताइए इस तुलसी नगर इलाके की, कैसे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा यहाँ पे? सर, सुबह 5 बजे से लाउडस्पीकर बजने शुरू हो जाते हैं और रात को देर रात तक बजते हैं, और सिर्फ मस्जिदों पर ही नहीं लगे, एक्सटेंशन वायर लेके हिंदुओं के घरों के बगल में लगा रखे हैं, और कोई ऐतराज उठाए तो फिर